हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी देखो सुबह हो गई है और हम लोग रात में स्टेशन पे ही सोए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ बरस करने। बरस करने के बाद में फिर आपसे मिलते हैं। सो देखिए दोस्तों, अभी मैं बरस करने आ गई हूँ, बरस कर रही हूँ। और बरस करने के बाद में हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर आपसे हम लोग पहुंच गए सरजू मैया के पास में। अभी यहाँ पे नहाएंगे, उसके बाद में हनुमान जी का पूजा करेंगे, फिर जाएंगे राम जी के पास में। और आप लोग देख सकते हो कल उस साइड से कपड़ा सुधार रहे हैं, देख सकते हो। हमको कहते हैं रहने दो, मत नहाओ, नहीं तो कपड़ा कहाँ सूखेगा। तो अभी हम जिद करके नहाएंगे क्योंकि सब लोग नहा रहे हैं, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, ढेर सारे। तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए अभी, और अच्छी अच्छी जगह जाएंगे और दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं नहाने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भक्तों को नहाने के लिए कितना प्यारा और मनोहर घाट बना हुआ है। हम लोग नहा चुके हैं और हम नहाए नहीं, वैसे ही पानी छिड़क लिए क्योंकि यहाँ कपड़े चेंज करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, देख सकते हो। तो अभी नहा लेते तो हम कपड़ा नहीं चेंज कर पाते, तो हमको दिक्कत होती, तो इसीलिए हम नहीं नहाए हैं, केवल केस और हाथ पैर धुले हैं और पानी हम लोग कुछ दूर आए और प्रभु श्री राम जी का दर्शन। और ये बाबा जी हम लोगों के माथे पे तिलक लगा दिए और प्रभु श्री राम जी का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमने भोलेनाथ जी को दर्शन की और जल चढ़ाए। और ये देखिए, यहाँ पर गणेश भगवान जी और कार्तिक भगवान जी का आशीर्वाद लिए हम। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, हम लोग जा रहे हैं भैया जी से पूछे ला दे उनका ठीक नहीं अच्छा चलो लगाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा जी लगाए हैं और आशीर्वाद ले चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं, ये है राम जी की पैड़ी। और हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, हनुमानगढ़ी जाएंगे। और ये देखिए राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी। सो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी और अभी हम जाते हैं बजरंग बली का पूजा करने और आप सभी लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। जय बजरंग बली करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीढ़ियों से। और आप लोग यहां देखिए कितना सारा भीड़ है, बहुत पब्लिक है। राम मंदिर तो देखकर आ गए हम लोग, अभी भैया गए हैं देखने और अभी तो बन रहा है। हम लोगों को लगा कि बन गया, अभी दिखाते हैं हम लोगों को लगा ये बन रहा, ये नहीं है, हमको लगा यही है। तो अभी वो बन रहा है राम मंदिर, को ही देख के आए फ्रेंड्स। हम लोग निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं स्टेशन और राम मंदिर तो देख ही रहे हैं, अभी तो बन रहा है। बहुत टाइम लगेगा।
अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी तरफ भैया। रात में 11 बजे हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पे ढेर सारे बंदर हैं जो कि परेशान कर रहे हैं सबको। देखिए वो लोग खाना खा रहे हैं तो वो लोग परेशान कर रहे हैं। और ये खाली घूमना तक ही जाएगी, फिर वहाँ से चेंज करना पड़ेगा बस्ती के लिए। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वो अयोध्या से बैठे थे ना ट्रेन, तो उसके बाद में मणिकापुर उतरे। जैसे मणिकापुर उतरे जैसे एक ट्रेन खड़ा था बस को, तो क्या कहते हैं बॉम्बे जाने के लिए, तो हम लोगों को लगा कि बस्ती जा रहा। और कुछ लोग थे उसी ट्रेन में साथ में गोंडा उतरे, मणिकापुर उतरे थे तो बोल रहे थे हाँ ये बस्ती जा रहा है। बस वो मतलब ट्रेन ट्रेन चालू हो गया, जब चालू हो गया तो उसका मतलब दौड़ के हम लोग उसमें बैठे। जब उसमें बैठ गए तो पता लगा, जब ट्रेन में बैठे तब मैंने देखा तो सब लोग बता रहे कि ये बॉम्बे जा रहा है। हम क्या करें, फिर रिटर्न ला के हम लोगों को यहाँ गोंडा स्टेशन पे उतार। आप सब लोग कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग रूम पे पहुंच गए थे, और मैं आप लोगों से बता दूं रात में हम लोग रूम पे आके पहुंचे हैं 2 बजे। 2 बज गया था क्योंकि वो ट्रेन था ना वापस लेके गया, गोंडा छोड़ दिया, गोंडा से फिर ट्रेन पकड़े आके बस्ती उतरे हैं। तो बस्ती से फिर रूम पे आए तो मतलब 2 बज गया था। रूम पे पहुंचते पहुंचते 2 बज के कुछ मिनट हुआ था तब हम लोग पहुंचे रूम पे। तो रात में तो वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि हालत तो बहुत ज़्यादा हो गया था ख़राब, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए रात में, आप लोगों से नहीं बता पाए। तो अभी तो सुबह हो गई, अभी उठे हैं 9 बजे उठे हैं हम लोग सो के। उसके बाद फिर मतलब ये काम वम किए, चाय वाय बनाए, पिए, खाएँ। तो अभी जाके हम मतलब नहाए वहाए हैं, तब दिमाग जाके थोड़ा ठंडा हुआ। फिर भी सर और बहुत दुख रहा, और पैर वैर में भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, सर और दुख रहा है। तो फ्रेंड अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग श्री राम जी से, सीता जी से, लक्ष्मण जी से प्यार करते होंगे और अपने मम्मी पापा से प्यार करते होंगे, वो हमारा वीडियो ज़रूर देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड अब मिलेंगे आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।